नमस्कार दोस्तों, मैं नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं सदर बाजार छावनी में। सदर बाजार छावनी मेट्रो स्टेशन आप कैसे आ सकते हैं और क्या क्या चीजें हैं, इन सभी चीजों पे आज के इस वीडियो में बात करेंगे। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जब भी आप सदर बाजार छावनी आना चाहते हैं तो मेट्रो स्टेशन में क्या क्या सुविधाएं और कैसे आ सकते हैं, इस सभी चीजों पर आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं अभी हम मेट्रो स्टेशन के अंदर हैं। ये सदर बाजार छावनी का मेट्रो स्टेशन है जो कि दो प्लेटफॉर्म है। पहला प्लेटफॉर्म जो है वो इस साइड पे है, उस साइड पे देख सकते हैं, जो कि बोटनिकल गार्डन की ओर जाती है। दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो जाती है जनकपुरी वेस्ट की ओर। तो यहाँ पे जब भी आते हैं ये मर्जेंटा लाइन में पड़ता है। दो प्लेटफॉर्म है, याद रखिएगा, दो प्लेटफॉर्म है। कितने प्लेटफॉर्म है? दो प्लेटफॉर्म है सदर बाजार छावनी में। सदर बाजार मार्केट जाना है तो आपको इस साइड पे एग्जिट होना है। देख सकते हैं ये सामने का लोकेशन जो आपको दिख रहा है, यहाँ से एग्जिट होना है। और ये ओवर ब्रिज, आपको फुट ब्रिज मिलेगा पीछे के लोकेशन में, जहाँ से आप बाहर जा सकते हैं। बाहर जा सकते हैं, वहाँ से आपको ऑटोज वगैरह और सारी व्यवस्था मिल जाएगी। ऑटो यहाँ पे हमेशा मिलती है, रिक्शा मिलती है और सारी चीज़ें मिलती है। स्टेशन को पूरी तरीके से स्वच्छ रखा गया, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेशन है। और सदर बाजार छावनी के बगल में ही आपको पालम मिल जाएगा, पालम एयरपोर्ट आप जा सकते हैं। और इस साइड पर IGI टर्मिनल 1 एयरपोर्ट जो है, मेट्रो स्टेशन वो मिल जाएगा। तो दो मेट्रो स्टेशन जो कि नियरेस्ट में पड़ता है। और सदर बाजार छावनी काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट वगैरह के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे लोगों का काम रहता है। तो आप बाहर निकल के जा सकते हैं। बाहर कैसे निकलेंगे दिखा, तो ये है मेट्रो स्टॉपेज जो कि सदर बाजार छावनी का ये मेट्रो स्टेशन है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ये जो है अंडरग्राउंड में नहीं है, इसके जो नेक्स्ट स्टॉपेज था IGI 1 टर्मिनल, वो जो है वो अंडरग्राउंड में था, लेकिन ये ओपन में है। देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ही आप निकलेंगे ये बाहर के लोकेशन से जाएंगे, बाहर से लोकेशन से जाएंगे और यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। ये एग्जिट पॉइंट है जहाँ से एग्जिट होइएगा। और एग्जिट होने के बाद ये बाहर के लोकेशन में आपको बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाएंगी, वो ऑटो कैब ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिसके जरिए आपको कहीं भी जाना है दिल्ली के कोई भी हिस्सों में, उन सभी जगह पर आप जा सकते हैं। तो ये सारा जो गाड़ियाँ वगैरह व्यवस्था है ये आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ के नियरेस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारा चीज़ आप जा सकते हैं। यहाँ पे बगल में ही एयरपोर्ट है, जो कि वो एयरपोर्ट भी जा सकते हैं, देख सकते हैं सदर बाजार छावनी में उतर के, और फिर आप एयरपोर्ट की ओर भी जा सकते हैं और वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये सदर बाजार छावनी का पूरा इन्फॉर्मेशन था। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, जैसे ही आप आते हैं ना सदर बाजार छावनी, यहाँ पे मैप भी दिया गया है कि कौन सी कहाँ पे जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कालका जी वगैरह से आ रही है और आप यहाँ पे, यानी कि सदर बाजार छावनी में आप हैं। और अगला जो स्टॉपेज है वो पालम है, फिर दशरथपुरी है, फिर डाबरी मोड़ है, फिर जनकपुरी वेस्ट है। अगर तीन स्टॉपेज के बाद आगे कोई मेट्रो नहीं गई हुई है, फिर इधर आपको वैशाली की ओर मिल जाएगी, जो कि जनकपुरी वेस्ट से आप चेंज कर सकते हैं नोएडा और वैशाली की ओर। साथ साथ में अगर आप यहाँ हैं और यहाँ से आपको दिल्ली जाना है तो इस वाले रूट में आप जाएंगे, इस वाले रूट में प्लेटफॉर्म नंबर 1 से मिलेगी, जो कि आप जाएंगे तो आप दिल्ली पहुँच सकते हैं। पिछला जो स्टॉपेज था वो टर्मिनल 1 था, IGI एयरपोर्ट, जहाँ पे अंडरग्राउंड है। ये ओपन में है, सदर बाजार कंटोनमेंट, जो कि सदर बाजार छावनी के नाम से जानते हैं। और ये मेट्रो स्टॉपेज है आप देख सकते हैं, और यही है पूरी तरीके से स्वच्छ रखा गया। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे ट्रैवल भी करते हैं और यहाँ से आप अनेक जगह पे जा भी सकते हैं। तो यहाँ से आपको नीचे उतरना है, हम आपको दिखा देते हैं, फिर आप बोलिएगा नहीं दिखाया। तो देखिए ये मेट्रो स्टॉपेज है, यहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको यहाँ पे निकलना है और यहाँ से नीचे जाना है, नीचे जाना है। देखिए ये लाइन है, यहाँ से नीचे जाना है, नीचे जाके वहाँ से एग्जिट हो जाना है। एग्जिट होइएगा सामने के लोकेशन में, ये आपको गेट मिलेगा, यानी कि ये आपको रोड मिलेगा जहाँ से आप सदर बाजार के कोई भी चीज़ों में जा सकते हैं। तो ये था सदर बाजार छावनी का पूरा इन्फॉर्मेशन। तरीके से आप दोस्तों सदर बाजार छावनी पूरा घूम सकते हैं और जा सकते हैं और देख सकते हैं। ये पूरा इन्फॉर्मेशन था। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई और जानकारी चाहिए वो भी आप पूछ सकते हैं। सदर बाजार छावनी में आपको बता दें 5-5 मिनट लगता है, 5 मिनट में एक मेट्रो आएगी, 5 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, 5 मिनट बाद फिर दूसरा मेट्रो आएगी, फिर तीसरा मेट्रो आएगी, ऐसे आती है। यहाँ पे तुरंत मेट्रो नहीं आती है, तो ये आपको इंतजार थोड़ा सा करना पड़ेगा जब भी आप आते हैं तो। और ये मेट्रो स्टॉपेज का पूरा इन्फॉर्मेशन था। और ये पूरा पीछे का दृश्य देखिए, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा जब कभी भी आप आएंगे ना, इसी तरीके से मिलेगा देखने को। ये हालांकि ये कवर हर एक जगह लगाया गया, हर एक मेट्रो स्टॉपेज में लगाया गया, तो यहाँ भी आपको देखने को ये चीज़ें मिल जाएंगी। और बाहर के स्टॉपेज में ही आपको मिल जाएगा, जो कि ओवर ब्रिज है, उसमें चढ़ के आप उस साइड रोड के उस साइड जा सकते हैं। और आपको रोड के इसी साइड जाना है तो इसी तरीके से जा सकते हैं। ये बाहर में देखिए, बाहर का लोकेशन में आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आप आते हैं सदर बाजार छावनी, सदर बाजार छावनी याद रखिएगा, सदर बाजार छावनी का वीडियो हम दिखा रहे हैं। तो ये देखिए कितना जाम लगता है, और ये सामने के लोकेशन में आप एग्जिट हो सकते हैं, और ये मेट्रो स्टॉपेज मेट्रो स्टेशन सामने ही पड़ता है।
है जस्ट सामने, और इसी के बगल में आपको एयरपोर्ट भी मिल जाएगा जो कि यहाँ से कुछ ही दूरी पे है, पालम एयरपोर्ट, जो कि काफी ज्यादा फेमस है। टर्मिनल 1 जाना है अराइवर के लिए डोमेस्टिक फ्लाइट का, तो वो भी आपको टर्मिनल 1 वहीं पे मिलेगा जो कि यहाँ से नियरेस्ट पड़ेगा, या फिर IGI टर्मिनल 1 मेट्रो स्टॉपेज से भी आप मेट्रो ले सकते हैं। इंडियन ऑयल और भी बहुत सारी कंपनियां जो है यहाँ पे है, बहुत सारे रूम आपको अवेलेबल यहाँ पे मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी जानकारी आपको चाहिए और भी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका भी जानकारी आपको देंगे। ये था पूरा जानकारी सदर बाजार छावनी का, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज में। अभी मेट्रो आ चुकी है तो हम चलते हैं अपना मेट्रो की ओर, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।